उज्जैन जिले के बड़नगर में एक संदिग्ध को अत्यधिक सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत को लेकर उसके परिजन उसे सिविल हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे लक्षणों के आधार पर तत्काल ही सिविल हॉस्पिटल उज्जैन के लिए रवाना किया गया। तत्कालीन एसडीएम एकता जसवाल, तहसीलदार सुरेश नागर और थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति स्थानीय निवासी स्थान पर जाकर संपूर्ण क्षेत्र को सील कर सैनिटाइजेशन किया। संपूर्ण क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। नगर पालिका सीएमओ कुलदीप किंकुश द्वारा तत्काल ही सिविल हॉस्पिटल को सैनिटाइजेशन किया गया। बड़नगर से संजल परमार की रिपोर्ट। क्वारंटाइन कर दिया गया है, बैरिकेडिंग के माध्यम से उसे सील कर दिया गया है। मोहल्ले के लोग निजामुद्दीन के घर के पास नहीं जाएंगे और घर में रहने वाले सभी सदस्य घर के अंदर रहेंगे। को लगभग 1 बजे पेशेंट का नाम निजामुद्दीन, पिता गुलाम हुसैन, उम्र 41 वर्ष, निवासी सब्जी मंडी, 2 दिन से निजी अस्पताल में सर्दी खांसी का इलाज करवा रहा था, जिसके अभी सारी खून की जांच तथा एक्सरे वगैरह अवलोकन करने पर संदिग्ध कोरोना का केस लग रहा है। इसको जिला चिकित्सालय उज्जैन आइसोलेशन के लिए रिफर किया जा रहा है, जहाँ पर इनकी जाँच की जाएगी और जाँच के बाद में सर सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी क्या मरीज? हाँ, इनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 85 है, क्योंकि साधारणतः 100% होना चाहिए, 85 में हमारा संदेह लगता है कि ये केस कोरोना का हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।